Hello students, good morning. I hope all of you are fine. So this is unit 6, the girl with the magic eyes. So let us start with the chapter, the girl with the magic eyes. So students, here you have to perform an activity, okay? So let us see what to do. Look at the picture and read the story. Do the activities mentioned in the boxes. आपको ये story read करनी है और इन boxes में जो activity दी है वो आपको करनी है, मतलब ये question solve करने हैं. So पार्ट वन, द गर्ल विथ मैजिक आइस. देवी एंड रिया वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स. दो फ्रेंड्स थे देवी और रिया, वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे. क्लोज फ्रेंड्स मतलब बेस्ट फ्रेंड्स थे. दे स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर. वो एक साथ बहुत सारा टाइम बिताते थे. इन द क्लास दे सेट टुगेदर. ड्यूरिंग लंच टाइम दे एट टुगेदर. एंड इन द इवनिंग दे प्लेड टुगेदर. मतलब क्लास में वो साथ में बैठते थे. स्कूल का जब लंच टाइम होता था तब वो साथ में खाते थे. और इवनिंग मतलब शाम को वो साथ में खेलते थे. दे शेयर्ड एवरीथिंग. देयर वाज नो सीक्रेट बिटवीन देम. वो अपनी सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते थे. उन दोनों के बीच में कोई सीक्रेट नहीं था. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं. हु इज़ योर डियरेस्ट फ्रेंड. मतलब आपका सबसे क्लोज फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, उसका नाम लिखना है. इन वॉट आर द थिंग्स यू डू टुगेदर. मतलब कौन सी चीज़ें हैं जो आप दोनों साथ में करते हो. जस्ट लाइक साइकिलिंग, वॉचिंग टी वी, वॉचिंग मूवीज, एनी थिंग. वो आपको कुछ भी यहाँ पे लिखना है जो आप दोनों साथ में करते हो. सो वन डे व्हेन देवी वॉज गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग विथ रिया, शी मेट अ स्ट्रेंज मैन आउटसाइड हर हाउस. और एक दिन क्या हुआ, जब देवी रिया के साथ खेल के घर जा रही थी तो वो एक उसके घर के बाहर एक स्ट्रेंज मैन. अब नाउ डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंज. स्ट्रेंज मतलब एक अजीब से आदमी को देखा उसने उसके घर के बाहर. द मैन लुक टायर्ड. वो आदमी बहुत थका हुआ लग रहा था. ही आस्क देवी, माई चाइल्ड कैन यू गिव मी सम वाटर. उसने बोला, बेटा क्या तुम मुझे पानी दे सकते हो. देवी लुक डेट हिम एंड वॉज स्लाइटली स्केर्ड. देवी ने उसको देखा तो वो थोड़ी डर गई उसको देख के. स्केर्ड मतलब डर जाना. द मैन लुक फ्राइटनिंग विथ इज लॉन्ग बियर्ड एंड टोन क्लोथ. फ्राइटनिंग मतलब डरावना. तो वो आदमी बहुत डरावना लग रहा था. क्यों? क्योंकि उसके लॉन्ग बियर्ड्स की वजह से और टोन क्लोथ मतलब उसके कपड़े भी फटे हुए थे. ही हैड ब्लैक आइज विच सीम टू होल्ड हर. और उसकी बड़ी बड़ी काली ब्लैक आइज थी. उसको देख के देवी को और डर लग रहा था. She looked at him for a few seconds without saying anything. और थोड़ी देर के लिए देवी उसको देखती रही बिना कुछ बोले. The man again said, "Dear child, please give me water. I am very thirsty." वो आदमी वापस बोला देवी को कि डियर चाइल्ड प्लीज गिव मी वॉटर. आई एम वेरी थर्स्टी. मुझे बहुत प्यास लगी है. देवी शिवर्ड एज शी लिसन टू हिज वॉइस. और देवी शिवर्ड मतलब कांपने लग गई जैसे उसने उस स्ट्रेंज मैन की आवाज़ सुनी. स्लोली शी चेक्ड हर बैग. और धीरे से उसने उसका स्कूल बैग चेक किया. हर वाटर बॉटल वॉज इन द बैग एंड इट वॉज फुल. उसके बैग में उसकी वाटर बॉटल थी और वो एकदम फुल थी. नर्वसली शी हेल्ड इट आउट टू हिम एंड सेड, हियर यू आर. अभी नर्वसली मतलब डर के मारे उसने बैग में से वो बॉटल तो निकाल दी और वो स्ट्रेंज मैन को देख के बोल दिया, ये लो पानी पी लो. ही ऑलमोस्ट स्नैच्ड द वाटर बॉटल एंड ड्रिंक ऑल द वाटर इन सेकेंड. स्नैच्ड मतलब खींचना. तो वो स्ट्रेंज मैन ने उससे बॉटल खींच ली और फटाक करके सारा पानी पी गया कुछ ही सेकेंड्स में. सो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे एक्टिविटी करनी है. हाउ डू यू थिंक द मैन माइट हैव लुक्ड. ड्रॉ द स्केच ऑफ द मैन हियर एंड लेबल्स टू योर ड्रॉइंग. एड लेबल्स टू योर ड्रॉइंग. द स्टूडेंट्स वॉट यू हैव टू डू इज, आपने देखा कि वो स्ट्रेंज मैन कैसा था. उसके बड़े बियर्ड थे, उसके कपड़े फटे हुए थे और वो थोड़ा डरावना लग रहा था. तो आपको एक इमेजिन करना है कि वो स्ट्रेंज मैन कैसा हो सकता है और उसका स्केच यहाँ पे बनाना है और लेबल लिखना है कि भाई ये उसका कौन सा पार्ट है. फटे हुए कपड़े है, ये उसकी बियर्ड है, आईज है, हेयर्स है, लॉन्ग हेयर्स है. कैसे भी आप स्केच बना के उसको लेबल करना है. ओके. द मैन रिटर्न द वाटर बॉटल टू हर एंड सेड, थैंक यू डियर. वो आदमी ने पानी पी के वापस उसको वाटर बॉटल दे दी देवी को और उसको बोला थैंक यू. येस, वेन एवर समवन हेल्प्स अस तो हम उसको क्या बोलते हैं, थैंक यू. तो वो स्ट्रेंज मैन ने भी देवी को थैंक यू बोला. यू आर एन एंजल. तुम तो एक एंजल हो. वाई डोंट यू आस्क मी फॉर समथिंग. उसने देवी को बोला, क्यों तुम मुझसे कुछ मांग नहीं लेती. तुमने मेरी हेल्प की है तो तुम कुछ मांग सकती हो मुझसे. आई कैन गिव यू एनी थिंग यू वॉन्ट. तो उसने देवी को क्या बोला, मैं तुमको जो चाहे वो दे सकता हूँ. देवी सेड आस्क यू फॉर समथिंग. देवी बोल रही थी, मांगू मैं कुछ तुमसे. वाई शुड आई, मैं क्यों मांगू कुछ. आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग. देवी ने बोला कि मैं क्यों मांगू कुछ, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए. द मैन सेड, कम ऑन चाइल्ड, डोंट वेस्ट माई टाइम. आई एम अ वेरी बिजी पर्सन, यू नो. तो वो
स्ट्रेंज मैन ने क्या बोला कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो जल्दी से बोलो तुमको क्या चाहिए, बी क्विक, थिंक ऑफ समथिंग यू वॉन्ट, आई कैन गिव यू एनी थिंग यू आस्क फॉर, उससे देवी का बोला अच्छा चलो जल्दी जल्दी सोचो कि तुमको क्या चाहिए, मैं तुमको कुछ भी दे सकता हूँ। देवी वॉज सरप्राइज, शी वंडर्ड इफ यू कुड गिव एनी थिंग शी वॉन्ट्स, वाई डिड ही आस्क फॉर वॉटर। अभी देवी सोचने लग गई थी कि अगर ये आदमी मुझे कुछ भी दे सकता है, मैं जो भी मांगू, तो इसने पानी मुझसे क्यों मांगा। बट शी वॉज टू स्केयर टू आस्क हिम अबाउट दैट, बट वो इतनी डर गई थी कि वो उसको ये पूछ भी नहीं पाई। शी सेड आई डोंट थिंक आई नीड एनी थिंग, उसने बोला कि नहीं नहीं मुझे नहीं लगता मुझे कुछ चाहिए। माई मदर हैज टोल्ड मी नॉट टू टेक एनी थिंग फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। येस, हमारी मम्मा भी हमको इंस्ट्रक्शंस देती है कि वी शुड नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, वी शुड नॉट टेक एनी थिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। तो देवी की मम्मा ने भी उसको यही बोला था कि स्ट्रेंजर से हमको कुछ नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेंजर मतलब जिसको हम जानते नहीं हैं उसको बोलते हैं स्ट्रेंजर। बिसाइड्स आई डोंट वॉन्ट टू आस्क फॉर एनी थिंग इन रिटर्न फॉर द वॉटर आई गेव यू, देवी ने बोला कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है पानी दे के, उसके बदले में मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। द मैन लुक्ड हैप्पी, ही सेड वेरी वेल, यू आर वेल बिहेव चाइल्ड हु रिमेंबर्स हर मदर्स वर्ड्स। उसने देवी की तारीफ़ की, वो बहुत खुश हो गया, उसने बोला कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, वेल मैनर्ड हो, तुम तुम्हारी मम्मा की बात भी मानती हो। यू ऑल्सो हैव अ हेल्पिंग नेचर, सो आई एम गोइंग टू गिव यू मैजिक आइज, उसने देवी को बोला कि तुम्हारा तो नेचर भी हेल्पिंग है, तुम लोगों की हेल्प करती हो, तो मैं तुमको मैजिक आइज गिफ्ट करूँगा। ओके, देवी सेड मैजिक आइज, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ एनी मैजिक आइज। अब देवी चौंक गई, व्हाट्स दिस मैजिक आइज, मैजिक आइज क्या होता है, मैंने तो कभी सुना नहीं मैजिक आइज के बारे में। द मैन स्माइल सेड वेल यू हैव देम नाउ, मैन वो आदमी ने हंस के बोला कि तुमने सुना नहीं है कभी, पर अभी तुम्हारे पास है मैजिक आइज। एज सुन एज ही सेड देन दिस ही डिसअपियर्ड, जैसे ही उसने ये बात बोली, डिसअपियर्ड मतलब वो वहाँ से गायब हो गया। देवी वॉज स्टंट, देवी चौंक गई, ये क्या हो गया। She just stood there like a statue for a few moments, then she ran towards her house. थोड़ी देर के लिए वो स्टैचू की तरह उसी जगह पे खड़ी रही, फिर वो उसके घर भाग गई फटाफट। Part 2, The Girl with the Magic Eyes. देवी reached the house and rang the doorbell till a mother opened the door. देवी फटाफट घर भागी और उसे जोर जोर से doorbell बजाने लगी जब तक उसकी मामा ने दरवाज़ा खोल नहीं दिया। As soon as she saw her mother, she threw away her bag and hugged her tightly. अब जैसे ही उसने उसकी मामा को देखा, उसने उसका बैग एक साइड में फेंका और फटाफट जाके उसकी मामा को हग कर लिया। Her mother was surprised. उसकी मामा चौंक गई थी। She said, "What happened, Devi? Any problem?" उसने देवी को बोला, क्या हुआ देवी, कोई प्रॉब्लम है? Calm down and tell me, शांत होके मुझे बताओ कि तुमको क्या हुआ है। देवी said, "I have got magic eyes." देवी ने क्या बोला, मामा मेरे पास तो मैजिक आईज है। What? What do you mean by magic eyes? Said her mother. अभी उसकी मामा भी चौंक गई कि what? But this magic eyes, ये magic eyes क्या होता है? I don't know. I met a stranger near our house. He asked me for water and I gave it to him. He has given me magic eyes. अभी देवी ने वो स्ट्रेंज मैन की सारी स्टोरी बताई कि मैंने उसको पानी दिया तो उसने मुझे magic eyes दी। Her mother looked worried. अभी उसकी मामा को चिंता होने लगी। I don't know what are you talking about. Haven't I asked you not to talk to strangers? अभी उसकी मामा उसको बोल रही थी, डांट रही थी कि मैंने तुमको ना बोला था ना कि स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करनी है, तो तुमने क्यों बात की। How can somebody give you magic eyes? Your eyes look the same to me. I don't see any magic in them. उसकी मामा ने बोला कि कोई कैसे तुमको magic eyes दे सकता है, तुम्हारी आइज तो पहले जैसी ही लग रही है, मुझे उनमें कोई मैजिक नहीं दिख रहा है। देवी डिडेंट से एनी थिंग, शी प्लेड फॉर सम टाइम, वो थोड़ी देर खेली, टीवी देखा, उसका होमवर्क किया और खाना खा लिया और वो सोने चली गई। शी हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम दैट नाइट, और जब वो उस रात को सोई तो उसको एक बहुत अजीब सा सपना आया। स्ट्रेंज मतलब अजीब। शी सॉ टू ब्यूटीफुल ह्यूज हाइज इन फ्रंट ऑफ हर, और जैसे ही वो सपने में क्या देखा, उसने दो बड़ी बड़ी ब्यूटीफुल आइज देखी उसने उसके सपनों में। द आइज वे ब्लू लाइक सी, वो आइज का कलर कैसा था, ब्लू एकदम सी के जैसे। शी कुड सी द होल सिटी इन साइड हर आइज, और वो उसकी आंखों में पूरी सिटी को देख पा रही थी। शी एंटर्ड इन टू द आइज एंड स्टार्टेड वॉकिंग थ्रू अ स्ट्रीट, और वो उसकी आंखों में एंटर हुई और उसने रोड के ऊपर चलना स्टार्ट किया। शी सॉ अ शॉप फुल ऑफ चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स, और उसने सबसे पहले क्या देखा, एक शॉप देखी जो चॉकलेट्स और बिस्किट से भरी हुई थी। हर माउथ स्टार्टेड वॉटरिंग, यस, जैसे ही उसने चॉकलेट्स और बिस्किट देखी उसके मुंह में से पानी आने लग गया। शी सेड प्लीज़ कम टू मी चॉकलेट्स, उसने क्या बोला कि चॉकलेट्स प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। एज शी केप्ट ऑन लुकिंग एट द चॉकलेट्स, अ रे ऑफ लाइट केम आउट ऑफ हर आइज एंड टच द चॉकलेट्स, और जैसे ही वो थोड़ी देर तक उन चॉकलेट्स को घूरती रही तो उसकी आंखों से स्ट्रेट एक लाइट की रे बाहर आई।
चॉकलेट्स की तरफ। इमीडिएटली द स्टार्टेड फ्लोटिंग इन द एयर एंड केम टूवर्ड्स हर। और जैसे ही वो रेज थोड़ी देर के लिए चॉकलेट्स पे पड़ी तो चॉकलेट्स हवा में फ्लोट होना स्टार्ट हो गई, हवा में तैर रही थी और वो देवी के पास आने वाली थी। शी कॉट द चॉकलेट्स एंड ड्रॉप देम इन हर बैग। शी मेड अ माउंटेन ऑफ चॉकलेट्स एंड सेट ऑन टॉप ऑफ द नेम। और जैसे ही वो चॉकलेट्स देवी के पास आई तो उसने उस चॉकलेट्स को कैच कर लिया और अपने बैग में डाल दिया। और उन चॉकलेट्स को से उसने क्या बनाया, एक चॉकलेट्स का माउंटेन बनाया और उसके एकदम टॉप पे बैठ गई। सो स्टूडेंट्स व्हाट यू हैव टू डू इज ड्रॉ अ चॉकलेट फ्लोटिंग इन द एयर। आपको एक चॉकलेट बनानी है जो हवा में फ्लोट कर रही है एंड ड्रॉ अ माउंटेन ऑफ चॉकलेट्स और आपको एक चॉकलेट का माउंटेन बनाना है। आई होप यू रियली इंजॉय, आप रियली इंजॉय करोगे इसको बनाने में बिकॉज चॉकलेट्स हम सबकी फेवरेट होती है। ओके स्टूडेंट्स, When she woke up in the morning, she remembered her dream and smiled to herself. और जैसे ही वो सुबह उठी इतना अच्छा सपना देख के वो खुद को देख के अंदर अंदर हंस रही थी। She went to the bathroom and looked at the toothbrush. She smiled to herself and said, "Please come to me, toothbrush." और जैसे ही वो बाथरूम में गई तो उसने टूथब्रश को देख के दूर से ही बोला कि टूथब्रश प्लीज़ कम टू मी टूथब्रश, प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। एंड टू अ सरप्राइज शी कुड सी द लाइट फ्रॉम आईज इन द मिरर। और उसने उस मिरर से देखी कि भाई उसकी आंखों में से वापस एक रे ऑफ लाइट आ रही है। इट टच द टूथब्रश, लिफ्टेड इट जेंटली एंड मूव्ड इट टूवर्ड्स हर। और जैसे ही वो लाइट टूथब्रश पे गई, टूथब्रश भी हवा में फ्लोट होकर उसके पास आ रहा था। द ब्रश ऑलमोस्ट स्टार्टेड ब्रशिंग और ब्रश आके अपने आप उसकी टीथ ऐसे ऐसे ब्रश कर रहा था। शी कॉट होल्ड ऑफ इट एंड लुक्ड एट इट इन अ शॉक। उसने वो ब्रश हाथ से पकड़ लिया और एकदम शॉक में देख रही थी कि वाओ, मुझे तो लगा ये सिर्फ ड्रीम है पर ये तो सच्ची में हो रहा है। शी ब्रश्ड हर टीथ, वॉश्ड हर फेस एंड लुक्ड एट द टॉवल। अभी उसने मुंह धो लिया, ब्रश कर लिया, अभी वो टॉवल धुल रही थी। देन शी थॉट लेट मी ट्राई वंस मोर शी सेड। उसने बोला कि चलो ये तो ऐसे भी हो सकता है, मैं एक और बार ट्राई करती हूँ। शी सेड टॉवल प्लीज कम टू मी। उसने बोला कि टॉवल प्लीज मेरे पास आ जाओ। दिस टाइम व्हेन द लाइट टच द टॉवल एंड सेट इन फ्लाइंग टूवर्ड्स टू हर शी वॉज रेडी टू कैच इट। और जैसे ही वो उसकी आंखों में से लाइट टॉवल पे पड़ी तो वो रेडी थी कि टॉवल आएगा और मैं उसको कैच कर लूँगी। तो फटाफट टॉवल उसके पास आया और उसने कैच कर लिया। शी रेन टू अर मदर एंड सेड मम्मी मम्मी लुक एट माई मैजिक आइज। वो उसकी मम्मा के पास भागी और मम्मा को बोला मम्मा मम्मा देखो मेरे पास तो मैजिक आइज है। बिफोर अर मदर कुड अंडरस्टैंड व्हाट शी वॉज सेइंग अ नंबर ऑफ थिंग्स वर फ्लोटिंग इन द एयर इन द किचन। वो उसकी मम्मा से बातें करते करते उसकी नज़र बहुत सारी किचन की चीज़ों पे पड़ी तो बहुत सारी चीज़ों पे वो लाइट गई और बहुत सारी चीज़ें किचन की हवा में फ्लोट होने लगी थी। सो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है यहाँ पे, व्हाट थिंग्स डू यू थिंक वे फ्लोटिंग इन द किचन, व्हाट डू यू थिंक देवी माइट हैव सेड टू देम टू कम टू हर। अभी देवी ने क्या बोला होगा, किचन में ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो हवा में फ्लोट हो रही थी और देवी ने उनको क्या बोला होगा जिसकी वजह से वो फ्लोट हो रही थी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है प्लेट्स, प्लीज़ कम टू मी प्लेट्स। तो यहाँ पे आप स्पून्स, बाउल्स, फूड, बिस्किट, बास्केट, फ्रिज कुछ भी ले सकते हो और देवी ने उनको क्या बोला होगा, प्लीज़ कम टू मी स्पून, प्लीज़ कम टू मी बाउल। तो आपको ये सॉल्व करना है। ओके, हर मदर रेन आउट ऑफ रूम एंड वोक अप हर फादर। उसकी मम्मा इतनी डर गई हुई कि वहाँ से भाग के उसने उसकी देवी की मम्मा ने उसके पापा को उठा दिया। देवी रेन टू द टेलीफोन एंड कॉल्ड हर फ्रेंड रिया। देवी फटाफट बहुत एक्साइटेड थी तो टेलीफोन के पास भागी और उसने उसकी बेस्ट फ्रेंड रिया को फ़ोन किया। देवी सेड रिया आई हैव गॉट मैजिक आइज। उसने रिया को क्या बोला कि रिया मेरे पास तो मैजिक आइज है। रिया कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, रिया कुछ समझ नहीं पाए। शी सेड मैजिक आइज, मैजिक आइज, व्हाट इज दिस मैजिक आइज, व्हाट यू मीन बाय मैजिक आइज, ये मैजिक आइज क्या होता है। देवी सेड प्लीज़ कम टू माई हाउस इमीजिएटली, लेट्स वॉक टू स्कूल टूगेदर एंड आई शो यू। उसने बोला कि चलो जल्दी जल्दी मेरे घर आ जाओ, हम स्कूल साथ में जाएंगे, तब मैं तुमको बताऊंगी कि मैजिक आइज क्या होता है। एज बोथ ऑफ देम वॉक टू स्कूल देवी शोड रिया वॉट शी कुड डू विद हर मैजिक आइज। और जैसे जैसे वो स्कूल जा रहे थे तो रस्ते में देवी ने बताया कि वो उसकी मैजिक आइज से क्या क्या कर सकती थी। दे वर वेरी एक्साइटेड बाई द टाइम दे रीच टू स्कूल। द टीचर केम इन एंड स्टार्टेड राइटिंग द टॉपिक ऑफ द डे ऑन द ब्लैक बोर्ड। वो स्कूल पहुँचे तो वो दोनों बहुत एक्साइटेड थे कि देवी इतना सब कर सकती है। तो जब स्कूल का टाइम हो गया तो टीचर क्लास में आई और वो ब्लैक बोर्ड पर टॉपिक लिखने लग गई कि भाई उस दिन उनको क्या पढ़ाना है। रिया सॉ अतुल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हर मेकिंग अ पेपर रॉकेट एंड थ्रोइंग इट एट अ बॉय इन द फर्स्ट रो। रिया ने क्या देखा कि एक उनकी क्लास में एक लड़का था अतुल, वो पेपर से रॉकेट बना रहा था और किसी दूसरे लड़के पे फेंकने वाला था। रिया ने देवी हु जस्ट लुक्ड एट द रॉकेट एंड सेड, रिया ने देवी को बोला तो देवी ने देखा कि भाई ये तो रॉकेट फेंक रहा है किसी और पे, तो उसने फटाफट रॉकेट को देखा और वो क्या बोली, प्लीज़ कम टू अतुल। रॉकेट को बोला कि तुम उस बॉय पे नहीं जाओगे, तुम अतुल पे जाओगे।
टू एवरी वन सरप्राइज द रॉकेट मेड अ यू टर्न बिफोर इट कुड रीच द बॉय इन द फर्स्ट रो एंड डार्टेड टूवर्ड्स अतुल. अभी क्या हुआ, अतुल तो वो रॉकेट उस बॉय पे फेंक रहा था स्ट्रेट, पर अचानक क्या हुआ, रॉकेट ऐसे यू टर्न लेके डायरेक्ट अतुल पे आ गया. तो सब सरप्राइज हो गए कि ये अचानक अतुल नहीं फेंका और अतुल पे कैसे आ गया. अतुल वॉज इन अ ग्रेट शॉक. अतुल भी शॉक हो गया कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो उस बॉय पे फेंक रहा था तो ये रॉकेट मेरे पे कैसे आ गया. ही ट्राइड टू डक बट द रॉकेट हिट हिम ऑन अ फोरहेड. उसने बचने का बहुत ट्राई किया पर रॉकेट डायरेक्ट कहाँ पे लगा, उसके फोरहेड पे, यहाँ पे लगा. द टीचर टर्न्ड बैक एंड सेड, अतुल हाउ मेनी टाइम्स आई हैव वॉर्न्ड यू नॉट टू प्ले मिस्चीफ इन क्लास. टीचर ने बोला कि मैंने तुमको कितनी बार वार्निंग दी है कि क्लास में मस्ती नहीं करनी है. दिस टाइम आई एम गोइंग टू पनिश यू. टीचर ने बोला कि इस टाइम तो तुमको पनिशमेंट मिलेगी. राइट ऑन अ पेज, राइट अ वन पेज रिपोर्ट अबाउट दिस इंसिडेंट एंड मेक अ प्रेजेंटेशन इन द असेंबली टुमारो. तो अतुल को क्या पनिशमेंट मिली, उसको एक इस इंसिडेंट के बारे में उसको एक रिपोर्ट बनानी थी एक पेज की और नेक्स्ट डे असेंबली में उसको वो प्रेजेंट करनी थी. ओके, एज अतुल सेड ओ नो. अतुल ने क्या बोला, ओ नो शिट, अभी मुझे पनिशमेंट मिल गई. रिया एंड देवी गिगल्ड हाइडिंग बिहाइंड द नोटबुक्स. और रिया और देवी उनकी नोटबुक्स के पीछे छुपके हंस रहे थे बिकॉज उन्होंने उस बॉय को बचा लिया था. उसको रॉकेट लग जाता तो उन्होंने अतुल को पनिशमेंट दिलवाई और उस बॉय को बचा लिया था. ओके, ड्यूरिंग लंच टाइम दे सेट अंडर अ ट्री इन द स्कूल प्लेग्राउंड एंड ओपन देयर लंच बॉक्स. अभी लंच टाइम था तो वो उनके प्लेग्राउंड में एक ट्री के नीचे बैठ के लंच खा रहे थे. सडनली देवी हर्ड सम स्ट्रेंज साउंड्स नियर हर. और देवी को कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगी थी उसके बाजू में. शी लुक्ड अराउंड एंड फाउंड अ कपल ऑफ बेबी बर्ड्स. उसने आजू बाजू देखा तो उसको कौन दिखे, दो तीन बेबी बर्ड्स दिखे, मतलब छोटे जो बर्ड्स होते हैं उनको बोलते हैं बेबी बर्ड्स. दे वर बुलबुल्स विच हैड फॉलन फ्रॉम देयर नेस्ट. और वो कौन थी, बुलबुल थी जो उनके नेस्ट से गिर गई थी. देवी जेंटली लिफ्टेड देम विद हर आईज एंड सेड गो बैक टू योर नेस्ट. और देवी ने जैसे ही वो बुलबुल्स को देखा उसकी आंखों से, तो वो उसकी आंखों से जो लाइट थी वो उन बुलबुल पे पड़ी और वो उस लाइट की वजह से वो बुलबुल्स वापस उनके नेस्ट में चली गई. द बर्ड्स सेफली लैंडेड इन देयर नेस्ट एंड देयर मदर चर्प्ड हैप्पीली एंड हग्ड देम. तो वो बर्ड सेफली उनके नेस्ट में चले गए और जो ममा थी बुलबुल्स की उसने उन दोनों को हग कर लिया, जो बेबी बर्ड्स थे उनको हग कर लिया. ऑन द वे होम देवी सॉ द स्ट्रेंज मैन अगेन. अब जब देवी घर जा रही थी तो उसने उस स्ट्रेंज मैन को वापस देखा. ही केम स्ट्रेट टू देवी एंड सेड डियर चाइल्ड आई गेव यू मैजिक आईज, यू हैव नॉट मिस यूज देम. अभी वो स्ट्रेंज मैन ने देवी को क्या बोला कि मैंने तुमको गिफ्ट में मैजिक आईज दी पर तुमने उनका मिस यूज नहीं किया. यू हैव यूज देम फॉर गुड पर्पजेस, तुमने उनको अच्छे कामों के लिए यूज़ किया. जैसे तुमने बर्ड्स को घर पर भी उनके नेस्ट में वापस भेजा, तुमने अतुल को पनिशमेंट दिलाया बिकॉज वो गलत काम कर रहा था. सो आई एम हैप्पी विथ यू एंड आई वॉन्ट टू गिव यू वन मोर बून. तो बोला वो स्ट्रेंज मैन ने बोला कि मैं बहुत हैप्पी हुआ तुमसे, अब मैं तुमको कुछ और देना चाहता हूँ. वॉट वुड यू लाइक टू हैव, उसने बोला देवी को कि अब बताओ तुमको और क्या चाहिए. देवी से वॉट एवर यू वॉन्ट टू गिव प्लीज़ गिव इट टू माई फ्रेंड रिया. देवी ने क्या बोला कि मेरे पास तो ऑलरेडी मैजिक आइज, अभी आपको जो भी देना है आप मेरी फ्रेंड रिया को दो. द मैन वॉज हैप्पी टू हियर दिस एंड सेड रिया यू आर लकी टू हैव अ फ्रेंड लाइक देवी. तो वो स्ट्रेंज मैन ने रिया को क्या बोला कि रिया तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे पास देवी जैसी फ्रेंड है. आई गिव यू द पावर टू गो एनी वेयर यू वॉन्ट. तो वो स्ट्रेंज मैन ने रिया को क्या पावर दी कि तुम जहाँ भी चाहो तुम जा सकती हो. यू क्लोज योर आईज एंड थिंक ऑफ अ प्लेस एंड यू विल बी देयर. तुम अपनी आंखें बंद करो, एक जगह के बारे में सोचो और तुम वहाँ पहुँच जाओगी. ऐसे किसको पावर्स मिले, रिया को. यू कैन होल्ड देवीज हैंड एंड टेक हर ऑल्सो देयर विथ यू. उसने बोला कि तुम देवी का हाथ पकड़ के उसको भी तुम्हारे साथ लेके जा सकती हो. द मैन डिसअपियर्ड, वो मैन वापस गायब हो गया. बोथ देवी एंड रिया वर वेरी हैप्पी. देवी और रिया दोनों बहुत हैप्पी थे. द फर्स्ट थिंग दे डिड वॉज टू होल्ड ईच अदर हैंड्स क्लोज देयर आईज एंड थॉट ऑफ. पहली चीज़ उन्होंने क्या की, एक दूसरे का हाथ पकड़ा, आँखें बंद की और एक जगह के बारे में सोचने लग गए. ओके स्टूडेंट्स, सो वॉट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर इज दैट के देवी और रिया इतने क्लोज फ्रेंड थे कि देवी पहले रिया के बारे में सोच रही थी. उसने अच्छे कामों के लिए उसके पावर्स का यूज़ किया, बुरे कामों के लिए नहीं. वो चाहे तो कुछ भी कर सकती थी, उसकी मनचाही चीज़ें कर सकती थी, बट उसने उस पावर्स से लोगों की हेल्प की. सो स्टूडेंट्स, वी शुड ऑलवेज हैव अ हेल्पफुल नेचर. अगर हमको भी कुछ मिले तो वी शुड ऑलवेज हेल्प अदर. इफ़ हमारे पास पानी हो तो हमको प्लांट्स को दे देना चाहिए. इफ़ हमारे पास एक्स्ट्रा फूड हो तो हमको डॉग्स को या किसी भी पुअर बेगर हो उनको दे देना चाहिए. ओके सो स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड द चैप्टर.